हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम गैलरी। तो आज रात हम निकल चुके हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए, क्योंकि आज जो है इन दोनों को पता नहीं क्यों खाने में मज़ा नहीं आया भाई। तो बोल रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता करके आते हैं। घर खाई ना थी आई वो तो घरे को खा दो सर। खिचड़ी क्यों खिचड़ी बनाई? अड़द ने दाल भात ने रोटली बना भी लेना केम नहीं भाई? अहिया आवी क्यों आई हैं? લાગી છે ભૂખ અને બનાવી રહી છું ખાલી સિમ્પલ બ્રેડના પકોડા. હે નું કરતો હતો અત્યારે લેસન? શું પણ લેસન માં? કનેકાનો કા ખરેકાનો ખા. વેરી ગુડ. हमको स्कूल से लेके आ चुकी हूँ मैं और साथ में लेके भी आई हूँ सब्जियाँ. यहाँ पे धो के रख दी है मैंने और साथ में लिया है इडली का बैटर लिया है. तो 1 kg है तो हाफ हाफ डिवाइड किया है, क्योंकि इसकी बनाऊंगी इडली और इसके पापा ने बोला था कि थोड़े अप्पम भी बना देना, तो उसकी अभी प्रोसेस चल रही है अप्पम बनाने की. और इडली भी साइड में रख ही दूंगी मैं, तो दोनों जो है बनता रहेगा. और दाल जो है मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, क्योंकि वो आते हैं 8 बजे. आ चुकी है हल्की हल्की सी ठंडी जो है सुबह में लगती है. પછી ચા બનાવી દઉં તો नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुके हैं फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग, जय माता जी. और टिफिन के लिए भिंडी हो रही है. टिफिन क्या, सबके लिए भिंडी हो रही है, तो भिंडी अकेली सबको हो नहीं पाएगी. तो साथ में मैं यहाँ पे दाल और चावल भी बना रही हूँ, थोड़े से ज़्यादा नहीं. और जो है अप्पम बनाए थे रात को, तो उसका थोड़ा सा बच गया है खीरा, तो वो भी अभी नाश्ते में बना दूँगी. जब ये उठेंगे सब तभी बनाऊँगी, अभी दोनों सो रहे हैं. तो सब कुछ हो चुका है, रोटी भी अभी जस्ट मैंने बना के रख दी है यहाँ पे. और जो है जैनम के पापा चले गए हैं ऑफिस टिफिन लेके, और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है. अभी बर्तन और वो सब मांजना है, और जैनम को भी उठाती हूँ. यहाँ भी सब बिखरा पड़ा है, तो वो भी अच्छा करना है. जैनम वहाँ पे सो रहा है अंदर, उसको भी अभी उठाऊँगी. तो अभी मेरा ध्यान गया कि भाई ये काम मेरा तो पेंडिंग रह गया है भाई, तो इसका छिलका और वो सब अलग करके अभी तो बहुत ही बढ़िया हो गई. आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त हो चुका है लहसुन, लेकिन अभी भी हल्की हल्की जो है मॉइस्चर. अभी ऐसे करते हैं ना तो निकल जाना चाहिए छिलका, लेकिन ये निकलता नहीं है. तो अभी भी थोड़ा धूप में इसको और 10 दिन रखना पड़ेगा. तो ये काम कर रही थी भाई मैं, और अभी खाना क्या बनाना है वो भी डिसाइड नहीं हुआ. मेरे को है पेट में थोड़ी सी गड़बड़, तो अभी देखते हैं क्या करना है. तो ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करके ये इसके छिलके ऐसे हवा में उड़ाती हूँ, ऐसे फूंक मार के.
और भाई कैमरा मैन है हमारे जैनम सिंह राठौड़। हाय। कभी कभी जिद भी कर लेती है। अरे वाह, वेरी गुड, मेरे से भी अच्छा तो बोल लेता है भाई। किसकी असर आ गई रे। बच्चे लोग, ये हाँ, सब क्यों फैला के रखा है? क्योंकि आज हम नया ब्लॉग बनाने वाले हैं। ओके, तो ये सारा सामान किसने भेजा है हमको? हमको कनाडा से आया। कनाडा से आया। किसने भेजा जैनम? अन्नू मामा ने। वेरी गुड। भाई ये सारा सामान जब अन्नू आया था, यानी कि मेरा भाई आया था छोटा वाला कनाडा, 4 साल 4.5 साल के बाद आया था, तभी ये सब सामान लेके आया था भाई। तो पहले हम पर्स दिखा देते हैं, ठीक है? तो पर्स है ये फूल, तो ये फूल ऐसे वाला है, ये पर्स बहुत ही बढ़िया है, इसका लेदर वो सब बहुत बढ़िया है, और साथ में ये वाले दो छोटे वाले पर्स है जो आप हाथ में कैरी कर सकते हो, तो ये दो पर्स है बहुत ही बढ़िया। फिर ये सारे जो है मॉइस्चराइजर है, ये अभी इसके पापा यूज कर रहे हैं, ये वाला मैं यूज कर रही हूँ, ये दोनों अभी पिटी पैक है, उसको हमने अभी ओपन नहीं किया है। और ये एक है बॉडी लोशन, और ये है सावर जेल, और साथ में ये परफ्यूम जो मैं रेगुलर अपने पर्स में ही रखती हूँ। 3 का सेट आया हुआ था, और साथ में है ये टैबलेट और घड़ी जो मैं पहनती हूँ, आपने देखी ही होगी। तो ये, और ये जो फोन मैं यूज कर रही हूँ अभी जो ब्लॉग बन रहा है भाई, वो भी अन्नू ने ही दिया है, और ये वाला परफ्यूम भी अन्नू ने ही दिया है, बहुत ही बढ़िया है, और सारे परफ्यूम जो है उसने ही भेजे है। और ये सारे नेल पेंट्स, दूसरे भी नेल पेंट्स है जो कबाट में है, अभी मिल नहीं रहे, मैंने ढूंढे लेकिन मिल नहीं रहे। ये सारे परफ्यूम है बहुत ही बढ़िया, और लिपस्टिक तो बहुत ही बढ़िया है, दो आंटी ने मुझे दी थी एक, है ना, एक दी है मैंने तेरे को। और ये है वुडी, मेरी है एक, और एक जो है उसके पापा की है। ये चैन वाली जो है ये मेरी है, और बिना, दोनों चैन वाली है, सेम टू सेम। अच्छा चलो बढ़िया है, चलो रख दो। अभी जो सारे आइटम्स खुलेंगे वो जैनम के, तो जैनम का जो है ये पूरा सामान है वो दिखा दो पहले जेल फटाफट से। ये हम जो है स्पोर्ट्स के, आप देखते ही होंगे स्पोर्ट्स वाले जो यूज करते हैं जैकेट, वो वाला कपड़ा है ये, बहुत ही बढ़िया। अभी हमने ये देखो टैग भी नहीं निकाले, जैसे कि वैसे ही है। ये जैनम ने बहुत बार पहना है, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। ये पिछले उसने अपने फ्रेंड के पास से भिजवाया था, और ये भी उसके फ्रेंड के पास से ही भिजवाया था, और ये भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो इसका लुक बहुत बढ़िया आता है जब भी ये जैनम पहनता है, मेरे को बहुत पसंद है। इसको पसंद नहीं है पता नहीं क्यों, और ये वाला जैकेट तो मेरे को बहुत ही पसंद है, मुझे भी पसंद है ना। ओके, ये गैप के सारे जो है चीज वो गैप के ही वो लेता है, और बहुत ही बढ़िया निकलते हैं, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। ये स्वेट जैकेट भी बहुत बढ़िया है, चलो रख दो इसको भी साइड पे। और ये वाला तो बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो पॉलीथीन जो रहती है उस टाइप का है इसका मटेरियल, अगर आप कोई नोकली चीज से इसको छुएंगे ना तो ये फट जाएगा तुरंत, ऐसा मेरे को लगता है। इसको बहुत कैरी करके पहनना पड़ेगा, जैनम अभी पहनता नहीं है लेकिन ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म। और उसके साथ ये कवर उसका रखा है, वो हमने अभी कुछ भी निकाला ही नहीं, ये उसने बिल्कुल पहना नहीं, फर्स्ट वाला आपको दिखाया था वो स्पॉट वाला, वो भी उसने पहना नहीं है, एक भी बार नहीं पहना, चलो रख दो उसको साइड पे। और ये गैप का पूरा उसका जो है पूरा पूरी पैर है, ये पैंट है अभी उसको नहीं आ रही है, अभी बहुत ही बड़ी है ये पैर, गैप की है, सारे कपड़े उसके गैप के ये। और अंदर ये टी शर्ट हमने बिल्कुल इसको पहना ही नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा है अभी पूरा सेट, और ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, लुक वाइज बहुत ही जैनम बहुत ही बढ़िया दिखेगा इसमें। पैर उसकी पैर है जो ये है, तो इसके साथ भी ये जो है टी शर्ट वो आ जाएगी, और ये भी बहुत ही बढ़िया है।
आपको चाइनम के कौन से जैकेट, कौन से कपड़े अच्छे लगे वो कमेंट में बताना है जरूर। और अभी मैं दिखाऊंगी उसके पापा का, तो ये उसके पापा के लिए भेजा है और ये वाला प्रेस नहीं किया हुआ है। उसके पापा का और चाइनम का सेम ही लिया है अनु ने, लेकिन उन्होंने बहुत बार पहन लिया, इसके लिए उनका कलर जो है शर्ट का डल लग रहा है। झील इसको खोलो और पूरा ये गर्म है, बहुत ही गर्म है, सिर्फ आप देख सकते हो गर्म है ये। उसका मटेरियल बहुत ही बढ़िया है, हमने अभी तक इसका प्राइस टैग नहीं निकाला, अगले साल तक उसको आ जाएगा। और दूसरा वाला जैकेट है ये अन्नू के पास भी सेम ही था, जब वो आया था कनाडा से इंडिया तो उसने यही वाला जैकेट जो है पहना था। तो मामा और भांजा का सेम है। ओके, आप कभी भी कैरी कर सकते हो। अगर भगवान ने सोचा कि जैनम कनाडा जाए तो तब तुम ये पहनना, तब तक तो ये छोटा ना हो जाए। चलो नेक्स्ट, अभी मेरा खोलते हैं फटाफट। और यहाँ पे देखो ये क्या किया है, क्या किया। तो ये वाला जो है अभी इसको भाई क्या बोलते हैं मेरे को कुछ मालूम नहीं है भाई, शॉर्ट जैकेट सॉरी स्वेटर टाइप है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। हाँ, और ये वाला भी एक है स्वेटर, बहुत ही बढ़िया है। इसका मटेरियल बहुत एकदम हल्का है, आप नजदीक से देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और चलो रख दो। और ये पूरा है फुल, ये फुल स्वेटर है, हाँ कंपनी का है, बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने एक ही बार पहना है, ये वाला एक और ये वाला एक, सब एक एक बार ही पहना है। और ये माय फेवरेट है, ये रख दो उसको, मेरा भी फेवरेट है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसका मैंने एक बार मैंने पहना था, हम जब राजस्थान गए थे, इसका मैं एक फोटो बाजू में डाल दूंगी, बहुत ही बढ़िया इसका लुक बहुत बढ़िया आता है। और ये हाँ, और इसको मैंने एक या दो बार ही पहना है, ज्यादा नहीं। और दोस्तों इसको धो नहीं सकते हैं ना हाथ से ना मशीन से, तो इसको मेरे को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। और इसकी केयर कैसे करनी है वो बताना जरा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये मैंने रेगुलर पहना है जब भी विंटर था तब। और भाई दोस्तों ये देख लो, जो स्लीपर जो भाई बहुत बढ़िया आई हुई है भाई, कड़क कड़क, ये जो है समर में पहनने के लिए है। और ये आप देख सकते हो, जो भी NRI पर्सन होते हैं ना वो जो है ये चंपल तो बिल्कुल पहनते ही पहनते हैं। और ये आप नहीं मानोगे, ये चंपल है 10,000 की कनाडा में। और यही सेम चीज अन्नू ने जब ली थी पैलेडियम मॉल जो हमारे अहमदाबाद में है बहुत बड़ा, तो उस शॉप में से जब अन्नू ने ली थी तो यही सेम चंपल उसको 6,000 में पड़ी थी, और ये जो है उसको वहां पे 10,000 की पड़ी। तो दोस्तों आप तो समझ सकते हो कि NRI लोग यहाँ पे भावताल क्यों नहीं करवाते नहीं असली है, वो भी असली थी, लेकिन NRI पर्सन क्यों भावताल नहीं करवाते, उनको वहां से उन लोगों को वहां की कंपनी में यहाँ बहुत सस्ता मिलता है सामान, और सेम कंपनी का और वो सब रहता है, तो उस वजह से जो है वो लोग यहाँ पे ज्यादा शॉपिंग करना जो है पसंद करते हैं पहन ले। और ये परफ्यूम भी जो है 10,000 का है, और ये पर्स के वो भी उसका अराउंड ही है। तो भाई देख सकते हो ये हालत क्या कर दी भाई, और इतना सामान आया हुआ है भाई। और अनु थैंक यू इसके इन सब के लिए बहुत ही। और कुछ रह गया हो तो भाई अभी याद नहीं आ रहा ना। है मेड इन चाइना यहाँ पे लिखा है, ये देखो मेड इन चाइना 37 चाहिए मेरे को। और ये है मेड इन जर्मनी ये लिखा है, और पता नहीं ये लेदर है क्या है, बहुत ही बढ़िया है भाई ये। और ये है स्केचर, ये बहुत ही हल्के है भाई शूज, बिल्कुल भी इसका वजन नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। ये सब सामान आया था ना, तो बहुत अच्छा। हम सब ने मिलके देखा था, बहुत ही सबने एंजॉय किया था, सब बहुत खुश भी हुए थे, है ना, बहुत खुश हुए थे सब मेरे साथ साथ। ये मेरे छोटे बच्चे भी बहुत खुश हुए थे, सारी फैमिली बहुत खुश हुए। ये तो बहुत, जो परफ्यूम खोल के दिखाओ, ये तो बटन मारो, उसकी खुशबू कैसी है, बहुत अच्छी है ना। ये दिखाओ चाइनम दिखाओ,
ये अभी थोड़ा बड़ा है तेरे को, अभी ये दो एक दो महीने के बाद आ जाएगा। अच्छा हाथ में आ गया, ठीक है थोड़ा सा आ गया। हाँ तो पापा के साथ पहनना एक बार। ओके सब परफ्यूम बहुत ही बढ़िया है, इसके स्मेल परफ्यूम तो परफ्यूम, लेकिन ये जो मॉइस्चराइजर है उसकी स्मेल आप देखो तो वाह भाई वाह, है ना झील। इसकी इसकी तो जैसे स्ट्रॉबेरी, आप स्ट्रॉबेरी असली वाली स्ट्रॉबेरी खाते हो वैसा वाला उसका एकदम फ्लेवर और वो सब है। और ये बॉडी लोशन मैंने लगाया, ये बॉडी लोशन नहीं लगाया लेकिन ये बॉडी सावर जेल जो है ये मैंने यूज की थी, बहुत ही बढ़िया है। और परफ्यूम तो भाई क्या बात करें भाई, बहुत ही बढ़िया है सब। इन सब में से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी वो भी बताना। वो मेरे तो मेरा मेरे में वो वाला जैकेट बहुत ही बढ़िया है, और पर्स भी सारे बहुत, सब चीज मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। ये इतना सामान हम लेके लेने जाए तो कितने का आएगा भाई, है ना। तो लगता है कि 50,000 ऊपर 10-20 हजार का तो यही हो गया भाई। ये 30,000 पर्स और वो सब 30,000 का। ये अन्नू जो है ये सबके लिए ये मॉइस्चराइजर लेके आया था, मीन्स यही नहीं ऐसे वाले बहुत सारे फ्लेवर्स में थे, और सब भाई के लिए जो है हुडी, और फिर सबके लिए ऐसे परफ्यूम और वो सब लेके आया था, और सॉक्स लेके आया था जो पुमा के रहते हैं वो सॉक्स, फिर हमारी नानी और दादी के लिए मफलर और टोपी, और मामा और सबके लिए यही सब परफ्यूम, और मेरी ननन में सास ससुर सबके लिए परफ्यूम और वो सब लेके आया था, और आजू बाजू हमारे आजू बाजू में जितने भी ये मेंबर्स हैं हमारे उन सबके लिए भी चॉकलेट और वो सब तो था ही था, और सबके लिए ही चॉकलेट और वो सब तो था ही, लेकिन ये सब भी लाया था वो। और इसकी जो खुशबू है ना ये मॉइस्चराइजर की सबकी बहुत ही बढ़िया है भाई। सब ये सब बिखेर तो दिया लेकिन अभी हालत जो है टाइट होने वाली है भाई। ये चंपल और वो सब तो इसके अंदर डाल दिए हैं, ऊपर चढ़ाने हैं अभी, और ये सारे जो है देख लो ये सब कुछ समेट के इस बैग में जाएगा, और ये बैग जाएगी डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है वहाँ पे एडजस्ट करके रखेंगे, तो ये सब जाएगा भाई अभी। चलो एक ये वाला जैकेट जो है गैप का ही है, तो जैनम के पापा के लिए लेके आया था अन्नू, ये भी बहुत बढ़िया, ये यही रेगुलर यही पहन के जाते थे जितने भी दफ़ा गए हैं ऑफिस, पूरा विंटर इन्होंने ना यही पहना है, ये जैकेट पहना है, बहुत ही बढ़िया। इसको रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती भाई, बहुत ही बढ़िया ये जैकेट निकला है। उनके पापा के लिए भी आईफोन आया है ना। हम उसमें भी वीडियो बनाते हैं। उसमें भी वीडियो अभी तक बनाया नहीं है हमने, देखते हैं उसमें भी वीडियो देखते हैं, है ना। चलो अभी तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो। हाँ, मुझे पढ़ाई। चलो तो दोस्तों और क्या बताएं आपको भाई, ऐसा ही व्लॉग हमारा चलता रहता है, और ये बताना जरूरी था मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए, आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, ऐसे मैं शो ऑफ नहीं कर रही कि मुझे बताना ही चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये भाई बहन का जो है प्यार है और कुछ नहीं, ऐसे भगवान उसको इससे भी ज्यादा देते रहे, बस यही आशीर्वाद है। ये 2-3 दिन का मिक्सअप ब्लॉग है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि किसी के जो है कमेंट ही नहीं आते, तो इन सब में से आपको क्या कौन सी चीज जो है बहुत ही बढ़िया लगी वो बताना हमको, और चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, जय माता जी।